I welcome my GTL students. Good morning to all of you. Today, I am going to express about your next chapter. Today, which topic name is conjunction. As you know that, the definition of conjunction, a conjunction is a joining word that joins two phrases, sentences, and words to make complete. कंजक्शन जो शब्द होता है जो दो वाक्यों को वाक्यांशों को दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है. इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन. फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग एंड थर्ड कोरिलेटिंग कंजक्शन. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है जिसमें सेम या इक्वल रैंक होते हैं और ऑर्डर होते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते. जैसे नाइट के मॉन द रूम ग्रू डार्क, रात आया और अंधेरे कमरा, यानी कमरा जो हो गया तो कहने का अर्थ है कि इस वाक्य को क्या करता है, जब कमाइंड करता है तो इसमें से द क्या लिखते हैं, नाइट के मॉन आए द रूम, एक ही बात नहीं कर रहा है कि रात होती है में क्या होती है, अंधेरा छा जाता है. तो कहने का अर्थ है कि रूम, ये जो है एक ही वाक्य है, एक ही रैंक के वाक्य में इक्वल रैंक के हैं जिसमें ऑर्डर भी इक्वल है, अतः इसको एंड से जोड़ दिया, ये कंजक्शन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटिंग. ये कंजक्शन कौन सा कंजक्शन कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग. जैसे बिटवीन हो गया, ये सब जितने भी होते हैं कोऑर्डिनेटिंग. आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो दूसरे पर निर्भर करता है जिसमें इक्वल रैंक या ऑर्डर नहीं होता है. जैसे आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे पुकारा, ही डिड नॉट आंसर, वह कोई जवाब नहीं दिया. तो इस सेंटेंस में आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, मैं उसे पुकारा लेकिन वह आंसर नहीं दिया. ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, वह आंसर नहीं दिया. आखिर क्यों नहीं आंसर दिया, कब नहीं दिया, जब मैं उसे पुकारा तो आंसर नहीं दिया. तो ये जो आंसर नहीं दिया ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आई कॉल्ड हिम पे डिपेंड कर रहा है. तो ये डिपेंड कर रहा है. तो ये जो होता है कंजक्शन जो होता है व्हाट, ये को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत कौन आता है, ठीक ना, देयर फॉर आता है, ये आता है, ये सब जितने भी होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं. और एक होता है कोरिलेटिव जो पेयर वर्ड में रहता है, जैसे आइदर और नाइदर और बोथ एंड सच दैट नॉट ओनली बट आल्सो नो सूनर डिड दैट, ये सब जितने भी होते हैं आई दैट, ये सब क्या होते हैं, कोरिलेटिव होते हैं, जो जुगल होते हैं, जो पेयर होते हैं एक साथ आता है, यानी हम साथ साथ हैं. आइदर आएगा तो उसके साथ और ही आएगा. जैसे देखिए आइदर यू और आई एंड आइदर किसको फॉलो किया, और तो ये कोरिलेटिव के अंतर्गत आता है. आइदर ये दोनों सेंटेंस कौन सा कंजक्शन के अंतर्गत आएगा, ये दोनों आइदर और ये कोरिलेटिव के अंतर्गत आएगा. इसी प्रकार नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, जैसे नॉट ओनली आई बट आल्सो यू आर गिल्टी, ठीक ना, ये सब जितने भी होते हैं कोरिलेटिव के अंतर्गत आते. उसी प्रकार इसमें बहुत सारा कोरिलेटिव कंजक्शन दिया गया है किताब में, जैसे नाइदर नॉट सच No sooner that, I many had, ये सब जितने भी होते हैं correlative होते हैं, ठीक है. अब आपको ये exercise first में देखना है, कह रहा है कि इसमें से coordinating and subordinating conjunction को क्या करना है, classify करना है, वर्गीकृत करना है, अलग अलग करना है. और दूसरा exercise को कह रहा है कि correlative conjunction दिया है जो इसे एक suitable sentence बनाना है, ठीक है. और इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा. सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस टॉपिक एंड स्टडी योर सेल्फ बुक फॉर गेटर बेटर कंसेप्ट एंड ट्राई टू मेक एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड.